टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात देने के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने घर पर हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से उतरकर सिराज सीधे अपने पिता की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए। आईपीएल 2020 के लिए जब सिराज दुबई गए थे, उसी दौरान उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से सिराज भारत लौटना चाहते थे, लेकिन आईपीएल खत्म होते ही सिराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। फिर सिराज को दुबई से ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होना पड़ा। 20 नवंबर को सिराज कोरोना के चलते बायो बबल में थे, तभी उनके पास एक फोन आया जिस पर सिराज के अब्बू के इंतकाल की खबर आई थी। ये दुखद खबर सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पूरी टीम इंडिया शोक में डूब गई। सिराज से कप्तान विराट कोहली, बीसीसीआई और पूरे मैनेजमेंट ने भारत लौटने के लिए कहा, लेकिन सिराज ने अपने दिल को मजबूत रखते हुए देश ना लौटने और क्रिकेट के मैदान में भारत का झंडा बुलंद करने का फैसला किया और सिराज अपने अब्बू को मिट्टी नहीं दे पाए। सिराज ने देश न लौटने के फैसले पर बीसीसीआई से भावुक होकर कहा कि मेरे अब्बू मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका सपना था कि मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। आज मेरे पास अपने पिता का सपना पूरा करने का मौका है और मैं ये सपना पूरा करूंगा। टेस्ट मैच के दौरान भी कई बार सिराज को पिता के लिए भावुक होते हुए देखा गया। भले ही सिराज के पिता उन्हें देश के लिए खेलते नहीं देख पाए, लेकिन सिराज ने उनका नाम अमर कर दिया। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।